तो हम इसकी फॉर्मूलेशन डिस्कस करते हैं फार्मूले पे को डिस्कस करने से पहले एक टर्मिनोलॉजी जो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यूज़ होती है वो रिटेल के अंदर लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन की यूज़ होती है इस बात को समझना ज़रूरी है डेल्टा की कैलकुलेशन से पहले लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन विच इज़ एल एफ एल कंपेरिजन इट इज़ कंपेरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर विद करंट ईयर लेट्स से अगर मुझे कोई ये कहता है कि आपने लास्ट ईयर कितना काम किया और आपने इस साल कितना बिजनेस किया आप इसका कंपैरिजन करें तो इसका कंपैरिजन कहलाता है लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन लेकिन यहाँ पे बात समझना ज़रूरी है कि अगर प्रीवियस ईयर के हमने ट्वेल्व मंथ्स कंसिडर किए हैं तो करंट ईयर के भी हम ट्वेल्व मंथ्स ही कंसिडर करेंगे अगर मैं लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन क्वार्टर वन का करना चाहता हूँ सो मैं कंपेरिज़न करूँगा क्वार्टर वन ऑफ टू का कम्पेरिजन क्वार्टर वन ऑफ 2017, यानी कि लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन में हम सेम पीरियड ऑफ टाइम को कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन को हम लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन कह रहे होते हैं सो so, हमारे पास डेल्टा सेल्स की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है बहुत आसान सा फॉर्मूला है अब डेल्टा सेल्स के दो आउटकम हो सकते हैं आइदर इट वुल बी सेल्स ग्रोथ और इट वुल बी सेल्स डिक्लाइन या तो सेल्स इंक्रीज हो रही होंगी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर और द फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड या सेल्स डिक्रीज हो रही होंगी दो ही काम हो रहे होंगे दोनों सूरतों में इट इज डेल्टा तो एक रिटेलर जो है वो कैलकुलेट करता है कि मेरा डेल्टा सेल्स क्या है मैं किस नंबर को फॉलो कर रहा हूं और किस नंबर को मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है तो हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल uh, पे जाने से पहले इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं इट इज सेल्स ऑफ द करंट ईयर माइनस सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो ये फॉर्मूला है डेल्टा सेल्स का लास्ट ईयर की सेल्स करंट ईयर की सेल्स माइनस कर देनी है आपने उसमें से प्रीवियस ईयर की सेल्स और डिवाइड कर देना है प्रीवियस ईयर की सेल्स से तो आउटकम आपका आ जाएगा सेल्स ग्रोथ या डिक्लाइन एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं जो कि क्विकली आपको यह बताएगा कि डेल्टा सेल्स की कैलकुलेशन किस तरीके से है तो अज्यूम कर लेते हैं कि सेल्स 2017 में हमारी वन मिलियन है सेल्स 2016 में एट हंड्रेड थाउजेंड है तो डेल्टा सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उसी फॉर्मूले के अंदर मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू को सो सेल्स ऑफ करंट ईयर विच इज टू माइनस सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर विच इज टू डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर विच इज टू वैल्यू मैंने पुट की मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड किया सो so मेरे पास डेल्टा सेल्स आ गया ट्वेंटी फाइव परसेंट नाउ बिकॉज दैट डेल्टा इज पॉजिटिव तो ये ट्वेंटी फाइव परसेंट कहलाएगा सेल्स ग्रोथ तो डेल्टा सेल्स पॉजिटिव अगर होगा तो ये सेल्स ग्रोथ होगी और डेल्टा सेल्स अगर नेगेटिव होगा तो वो सेल्स डिक्लाइन होगी नॉर्मली जब हम डेल्टा की सेल्स की कैलकुलेशन की बात करेंगे तो ये हमेशा परसेंटेज में होगी कितने परसेंट आपने ग्रो किया है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर या कितने परसेंट आप डिक्लाइन पे हैं वर्सेस प्रीवियस ईयर दूसरी एग्जांपल हमारे पास है रिलेटेड टू डेल्टा कस्टमर्स पहले हमने डिस्कस किया डेल्टा सेल्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेल्टा कस्टमर्स डेल्टा कस्टमर्स में एग्जैक्टली सेम पैरामीटर के ऊपर है कि आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स में कितना ग्रोथ आया है यह आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स में कितना डिक्लाइन आया है जो भी चेंज होगा वो डेल्टा कस्टमर के लाएगा फार्मूला पहले स्टडी कर लेते हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स करंट ईयर के कितने हैं माइनस कर देंगे हम नंबर ऑफ कस्टमर्स प्रीवियस ईयर के कितने थे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर प्रीवियस ईयर के मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो हमारे पास ये फार्मूला जिस तरीके से डेल्टा सेल्स का फॉर्मूला था उसी तरीके से एग्जैक्टली exactly सेम फॉर्मूला हमारे पास है सिर्फ सेल्स की जगह यहां नंबर ऑफ कस्टमर हमारे पास आ गया है तो हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के साथ और उस चेंज को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि वो चेंज पॉजिटिव है या वो चेंज नेगेटिव है अगर वो पॉज चेंज पॉजिटिव होगी सो वो डेल्टा कस्टमर पॉजिटिव ग्रोथ कहलाएगा यानी कि कस्टमर ग्रो हुआ है नंबर ऑफ कस्टमर्स में ग्रोथ आई है और अगर वो नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके डिक्लाइन हो गए हैं वर्सेस प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स से 2017 में 1000 है 2016 में हमारे बिजनेस के 800 कस्टमर थे अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं डेल्टा कस्टमर्स फॉर्मूले के अंदर डालेंगे माइनस एट ये 1000 क्या है ये करंट ईयर के कस्टमर है विच इज 2017 माइनस किया हमने प्रीवियस ईयर को के कस्टमर्स को विच इज एट 2016 के एंड डिवाइडेड बाय 800 हंड्रेड तो ये क्या कौन से कस्टमर थे ये वो कस्टमर थे जो कि प्रीवियस ईयर के थे मल्टीप्लाई बाय हमने 100 को किया सो हमारे पास डेल्टा कस्टमर आ गया 25 परसेंट इसका मतलब ये है कि ये 25 परसेंट जो डेल्टा है ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स ट्वेंटी से ग्रो हो गए हैं वर्सेज प्रीवियस ईयर और अगर ये डेल्टा कस्टमर्स नेगेटिव होता तो ये एजम्पन किया जाता कि आपके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं वो डिक्लाइन हो गए हैं वो रिड्यूस हो गए हैं वर्सेस प्रीवियस ईयर रिटेलर का टारगेट क्या है रिटेलर का एम्बिशन ये है कि वो सेल्स को भी ग्रो करे डेल्टा सेल्स पॉजिटिव हो और कस्टमर्स को भी डेल्टा को पॉजिटिव करे यानी कि कस्टमर के अंदर भी ग्रोथ है अगर दोनों चीज़ें ग्रो करेंगी अल्टीमेटली रिटेलर का बिजनेस फ्लरिश करेगा फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ time